शादाब, हाँ दशहरा आता ही ना रावण की डिमांड बढ़ जाती है, ये बड़े बड़े रावण, ये बड़े बड़े रावण। एक्सक्यूज मी, अब जो है ना इस बार रावण का साइज यहाँ से यहाँ आ गया है। ऐसा क्यों? हाँ, इस बार रावण जलने से पहले ही जीएसटी की मार झेल रहा है, क्योंकि जीएसटी के लागू होने के बाद से जो रावण के बनने में जो सामान लगते थे, उसके पुतले के बनने में जो सामान लगते थे, उनकी प्राइस बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब लोग छोटे रावण ऑर्डर कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये कुंभकर्ण और मेघनाथ का क्या हुआ? उनके ऑर्डर अब ना के बराबर आ रहे हैं। शादाब, हाँ, मुलायम सिंह आज बड़े दिनों बाद टीवी पर नजर आए। वो तो है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आगे समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है? देखो, हुआ ये कि मुलायम सिंह यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया से लेकर नेताओं को ये लगा कि आज मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुलायम सिंह ने इन सभी अटकलों को खारिज कर दिया। मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसते हुए कहा है कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश ने कहा था कि वो पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इस बात पर मुलायम सिंह ने भी कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दिया है। लेकिन साथ में मुलायम सिंह ने ये भी कहा है कि पिता और बेटे के बीच में मतभेद कितने दिन रहेंगे। रोहित, एक बात बताओ, नवरात्र में करते क्या हैं? मतलब क्या खाते हैं, क्या नहीं खाएं? हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है कि आप व्रत भी रखें और आपका मुंह का जायका भी खराब ना हो, तो क्या करें उसके लिए? अरे, उसके लिए ना बुजुर्गों के पास हर तरीके का सॉल्यूशन होता है। वो तो है, है ना? तो आओ हम नानी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसके लिए क्या करें। किसकी नानी? नानी, अरे मेरी नानी नहीं, बल्कि आरजे एडी की नानी। और आरजे एडी की नानी बता रही हैं कि व्रत किस लिए रखा जाता है और व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं। और तो क्या वो साबूदाने और आलू की पूरी और टिक्की और ये सब भी खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। और इसको बनाते कैसे हैं ये भी नानी बता रही हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। आलू और साबूदाने की टिक्की बनाओ, नमक डाल लो इसमें। हाँ, डाल रहा हूँ ना। और फिर इसको गोल गोल बना के और सेक लो। इससे यू विल शाइन बट यू कांट हैव माइन, माय टिक्की बी द बिगेस्ट। अब तुम कढ़ाई में तेल डालो और इनको तल लो। पीएम मोदी ने देश के गरीबों के लिए सौभाग्य योजना नाम की एक नई स्कीम का ऐलान किया है। इसके तहत 31 मार्च 2019 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य बनाया गया है। सरकार इस पूरे लक्ष्य के लिए 60% का अनुदान करेगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का आगाज किया, वही गुजरात पहुंचे राहुल गांधी ने बैलगाड़ी पर बैठकर अपने दौरे का आगाज किया। राहुल ने कहा कि पीएम ने भारत की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त हमला किया है और इसलिए नोटबंदी से हुए नुकसान, रोजगार की दिक्कत और किसानों के हालात के लिए उन्होंने पीएम मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया। खेल मंत्रालय ने बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का नाम देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण के लिए भेजा है। तो वहीं भारत के लिए ओलंपिक में सबसे पहला व्यक्तिगत मेडल जीतने वाले पहलवान केडी जाधव का नाम पद्मश्री के लिए नामांकित किया गया है। केडी जाधव की मृत्यु के 33 साल बाद उन्हें पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया है।